हेलो स्टूडेंट, आज का जो हमारा वीडियो लेक्चर है वो है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चैप्टर 17 क्वेश्चन 20। गिवन 5 कॉस ए माइनस 12 साइन ए इक्वल्स टू 0। फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन ए प्लस कॉस ए अपॉन 2 कॉस ए माइनस साइन ए। तो सबसे पहले एक ट्रायंगल ड्रॉ कर दिया 90 डिग्री के सामने की साइड हाइपोटेन्यूस, ये तो सबको पता ही है। अब हमें जो गिवन है उसको देखते हैं। गिवन है ये 5 कॉस ए माइनस 12 साइन ए इक्वल्स टू 0। 5 कॉस ए माइनस 12 साइन ए इक्वल्स टू 0। अब 5 कॉस ए इक्वल्स टू 12 साइन ए, तो 5 अपॉन 12 साइन ए अपॉन कॉस ए, तो 5 अपॉन 12 साइन अपॉन कॉस ए इक्वल्स टू क्या होता है 10 ए। ये फॉर्मूला भी होता है, एक फॉर्मूला होता है 10 ए इक्वल्स टू साइन ए अपॉन कॉस ए, मीन्स ए की जगह क्या यूज़ किया थीटा। तो 10 ए इक्वल्स टू 5 अपॉन 12, तो 10 ए फॉर्मूला होता है हाइट अपॉन बेस 5 अपॉन 12, तो हाइट 5 बेस 12। अब देखो ये तो हाइपोटेन्यूस है, अब 10 ए पे बोला है एक थीटा क्या है ए, तो थीटा के सामने की साइड हमेशा हाइट परपेंडिकुलर है ना, तो ये हाइट हो जाती है, ये हाइपोटेन्यूस है हाइट और ये बेस, तो हाइट अपॉन बेस 5 अपॉन 12। अब हमें बेस पता है हाइट पता है, हमें हाइपोटेन्यूस फाइंड करना है, तो अब हम पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से हाइपोटेन्यूस फाइंड करते हैं बाय पाइथागोरस थ्योरम। ए सी का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, तो ए सी हमारा हाइपोटेन्यूस फाइंड करना है हमें, ए बी 12, बी सी 5, ए सी का स्क्वायर फाइंड करना है 12 का स्क्वायर 144, 5 का 25, तो ए सी स्क्वायर इक्वल्स टू 549, 426 और ये ए सी स्क्वायर इक्वल्स टू 169 हो जाएगा। ए सी इक्वल्स टू रूट 169, ये ए सी स्क्वायर टू 13, समझ में आया, 13 का स्क्वायर होता है 169। अब हमें हाइपोटेन्यूस पता चल गया है, अब हमें फाइंड करना है साइन ए प्लस कॉस ए अपॉन 2 कॉस ए माइनस साइन ए, तो इसके लिए हमें साइन ए पता होना चाहिए कॉस ए पता होना चाहिए, तो हम साइन ए कॉस ए अलग अलग से फाइंड कर लेते हैं। सबसे पहले साइन ए फॉर्मूला होता है हाइट अपॉन हाइपोटेन्यूस, तो देखो हाइट है बी सी हाइपोटेन्यूस ए सी, तो साइन ए इक्वल्स टू 5 अपॉन 13। अब फाइंड करना है कॉस ए, फॉर्मूला बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, तो बेस क्या है ए बी और हाइपोटेन्यूस ए सी, देखो कॉस ए इक्वल्स टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस ए बी अपॉन ए सी, तो कॉस ए इक्वल्स टू ए बी है 12 ए सी 13। अब हमने यहाँ पे साइन ए कॉस ए दोनों फाइंड कर लिए, हम अब इसको फाइंड कर सकते हैं साइन ए प्लस कॉस ए अपॉन 2 कॉस ए माइनस साइन ए, इसको मैं यहीं पे फाइंड कर लेती हूँ। देखो कैसे
सबसे पहले साइन ए की वैल्यू 5/13 प्लस कॉस ए की वैल्यू 12/13, हमने ऑलरेडी फाइंड कर लिए साइन ए की वैल्यू और कॉस ए की वैल्यू। अब 2 cos A 12/13 माइनस साइन ए 5/13, इसे यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं। अब देखो कैसे, 13 एलसीएम ले लिया, 5 + 12 यहाँ पे हो जाएगा 24/13 माइनस 5/13। अब 17/13 एलसीएम ले लिया, 13 24 - 5 आ जाएगा 17/13 19/13। अब यहीं पर इसको सॉल्व कर देते हैं, 17/13, चलो इधर कर देती हूँ इसे सॉल्व, 17/13 × 13/19 रेसिप्रोकल कर दिया तो 17/19 ये आंसर है क्वेश्चन नंबर 20 का। मींस साइन ए प्लस कॉस ए अपॉन 2 cos A माइनस साइन ए की जो वैल्यू आई है वो है 17/19। तो आज के लिए इतना ही, गुड लक गाइज़।